बहन भाई कि आप अहमद की शक्ल की हो। जो हमारे भाई हैं, हम सब ना, जो हमारे भाई हैं और बहन हैं ना, हम सब हमारी ना एक शक्ल। हाँ जी, मेरी बेटी। अब हंसो मत, ऐसे सीधी हो जाओ, हंसो नहीं। हाँ, अब देखो जी, सेम एक जैसी हैं या नहीं है। आप हंस रही हैं। ये क्या था? बहन भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी माए, माशाल्लाह, उन सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जो है ना टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह हमें बोलते हैं कि टेंशन ना लो, अल्लाह पाक करम करेगा, इस तरह मैं भी बोल रही हूँ कि टेंशन ना लिया करो। जो मेरी माए हैं बीमार रहती। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी फिट पा। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुबतला हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर फरमाए, बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमाए। तो जी, हमारा भी लोग हो गया स्टार्ट। अभी छुट्टी हुई तो घर आया वापस। आज मैंने दरवाजे से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी पुप्पो बाहर टहल पहल रही थी, अपनी वर्जिश कर रही थी, वॉक कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा अंदर जाकर फिर व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी जो है ये लेकर आया हूँ मैं, ये हैं गिब्स वालों के पापड़। ये हमने भी लिए थे जब स्कूल जा रहे थे। लिए थे ना, ये अच्छे होते हैं ना। हाँ जी, ये वाले लेकर आया हूँ। मतलब के सेलमैन जो बाहर जाते हैं ना, उनको बोलता हूँ कि यार कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कम रेट में होलसेल में मिले तो वो लेते आना। तो कल परसों वो लेकर आए थे मिठाई, मीठे जो टांगर वगैरह, हम तो टांगर बोलते हैं, कोई तोशा बोलता है ऐसे, तो वो थे, वो लेकर आया था। तो आज फिर खुद सेलमैन जो गया, उसने खुद बोला कि यार मैं लेकर आता हूँ। तो फिर उसको बोला कि यार लेते आना, चलो ठीक है, बोली ये लेकर आया। तो अभी 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 अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह जी, हम खुश बैठे हो? खुश बैठे। मौज लगी हुई है? मौज लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वर्जिश कर ली? वर्जिश कर ली। ज़्यादा या थोड़ी? अच्छा अच्छा आज गलियां घूमी हैं आपने? गलियां घूमती रह गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है, वर्जिश किया करो। अस्सलाम वालेकुम यार। यार क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश बैठे हो? खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। उसको मारता रहे। हाँ जी, आपने क्या बोला? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। और आप सुनाए, ठीक हैं? शुक्र है, ठीक है। माशाल्लाह आपकी जो बहू है ना, आपकी बहू रानी, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। माशाल्लाह, सब बहन भाई जो देखने वाले ना, बहुत तारीफें कर रहे हैं उसकी। अच्छा? माशाल्लाह, अच्छा, अच्छा किया आप आ गई। मेरी बहू की, तेरी, मेरी बेगम की, आपकी बहू की थोड़ी तारीफें हो रही हैं। तारीफ करने पे आना है। बहुत तारीफ कर रहे थे, आपकी भी तारीफ कर रहे थे कि आपकी अम्मी बहुत अच्छी है। और अबू का बोलते हैं कि अबू को बोलो हंसते रहा करो, परेशानियाँ परेशानियाँ ये नहीं लेने, टेंशन है, हमेशा हंसते रहा करो। आपकी वाइफ लिखा हुआ था, बहू मेरी बहू थोड़ी है। कौन सी बबी लिखा था? पता है क्या लिखा था? बबी भाभी 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 हाँ, गुलाम अब्बास के पास आई होगी, भाभी उधर लिखा होगा। मेरे पास तो लिखा होता है कि आपकी वाइफ अच्छी है, माशाल्लाह तेरी अम्मी की तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी है। और हाँ, और बोल रहे थे साहब बहन भाई कि आप लोग ना, ये जो कचरा, ये देखो आप फेंक दिया, ये चीज़ें जो है ना, इसका ख्याल रखा करो, आप गंदे बच्चे ना बनो। वो कहते हैं कि आप साफ़ सुथरे रहा करो, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करो और साफ़ सुथरा माहौल रखा करो, ये घर ख़राब नहीं करना। हाँ, वो कहते हैं कि ये कचरा बहुत करते हैं, तो इनको बोला करो कि यह कचरा वगैरह ना किया करें, साफ़ सुथरा माहौल रखा करें। तो मैंने बोला है आप सब के, मैं कमेंट्स तो मैंने पढ़े हैं, लेकिन हम क्या करें, इनकी आदत जो है इसको बदली करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा मार भी नहीं सकते और प्यार से ऐसे डांट वगैरह कर करके इनको इतना कर लिया है कि बाकी बच्चों से ना बहुत बेहतर हो चुके हैं। बाकी आगे भी इनके ऊपर मेहनत जारी है, इनकी ख्वाहिशात, इनकी फरमाइशें पूरी करते जा रहे हैं, बाकी जो नसीब में आए वो देखेंगे। ऐसे पप्पो आपने पापड़ खाने हैं? अंगूर खाती हो? ये पापड़ ऐसे मुंह में रखोगी घुल जाएगा। हाँ, ये फूफो देख रही है अम्मी,
उसको देख रही है, वो कहती है मुझे भी खा सकती है। हाँ वो मुंह में रखेगी तो खुल जाएगा खुद ब खुद। हाँ ये देखो ये भी सब पापड़ वगैरह खा रहे हैं। अब वो आप खा रहे हो? नहीं। आप भी खा के चेक करो, आपको भी अच्छे लगेंगे। ये नया मॉडल आया है। हाँ अच्छे हैं। हाँ ये घुल मिल जाते हैं। लो जी लाइट भी चली गई। हाँ शोर शराबा बंद हो गया। क्या बोला आपने? माशाल्लाह मजे देता है न, मजे दे हैं। आपको अच्छे लगे हैं? हाँ आपको अच्छे लगे? हाँ अम्मी आपको अच्छे लगे? पापड़ पापड़ अच्छे लगे? हाँ जी सब कुछ अच्छे लगे सारे तो दाम देने पे। हाँ फूफो के नहीं है और अबू के हैं, दो चार हैं, दो चार अबू के भी हैं। ये अबू ना गुड़ गुड़ ज्यादा खाता था, मीठा ज्यादा खाता था, इसलिए फिर चले गए टाइम से। कोई बात नहीं, खाने को दिल को अपने मन को ना मारो, जो दिल करे वो खाओ पियो इंजॉय करो। ये ना हो के क्या पता जिंदगी का कोई भरोसा है, जो दिल करे वो खाओ लेकिन अपने हस्ब तौफीक अपनी सेहत के मुताबिक। बेगम साहिबा जो है इधर लगी हुई है। ओ हो क्या हो रहा है? कपड़े सेट कर रही थी आपके। कपड़े सेट कर रहा थी। हाँ आपके बहन भाई बोल रहे थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी वाइफ है, तो आप जो है सलाम दुआ पहले कर लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक हो गए अल्लाह के फजल करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे घर में सब ठीक हैं। तो हमारा जो है ना ब्लॉग शुरू, हाँ शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है इस नेक दुआ के साथ के जो मेरे मैंने दुआएं कर ली हैं, लेकिन आपकी मर्जी आप कर लो। मैं भी दुआ बहन भाइयों के लिए और अपनी माए के लिए दुआ कर सकती हूँ। करो करो करो, मैं कौन सारो करा हूं। जो मेरे बहन भाई जो मेरी माए जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफाए कामला अता फरमाए, उनकी तमाम परेशानियां अल्लाह पाक दूर करे और हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहे मेरी तरह, जिस तरह मैं सारा दिन हंसती हूँ इस तरह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो जी, ओके हो गया हमारा व्लॉग हो गया स्टार्ट, तो अब जो है आगे की रूटीन आप सब से शेयर करते हैं। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी सोहनी परी परी, क्या कर रही हो? हाँ परी क्या कर रही हो? ये क्या खा रही हो? ये क्या है? ओए आस्ता आस्ता, एक तो खा लो, एक तो खा लो, अब सब खाओगी एक साथ। हाँ इधर बैठो। हाँ बैठो अब ठीक है। हाँ अब बताओ क्या खा रही हो, क्या खा रही हो? ये क्या है? चाय? कौन सी चाय? हाँ चाय कौन सी चाय? वो क्या होता है? क्या 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 है वो? निकल रही है बाहर। सुना सुभान अल्लाह, ये क्या था? सांस फूल गई थी क्या? फिर सांस नहीं आ रही थी, इतनी जोर से सुनाई है ना इसलिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोई और नई नई नाते याद करो, वो जो सुनाना फिर वो मुझे वो सुना वो से याद करता। हाँ वो वाली याद करना। चल पड़ा हूँ मदीने की जानब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है, वो वाली मुझे वो सुननी है। ठीक है परी क्या कर रही हो, टपे मार रही हो? हाँ क्या? अच्छा वो पक्षी कहाँ है? हाँ कहाँ है? हाँ तले गई। ये पैसे आ गए? ये क्या लोगी? पैसे फेंक दिए। अच्छो ये लो। हम कहते हैं क्या लोग कहती है? पीस। पीस क्या लोगी? पीस। कौन सा पीस? हाँ जेरिया। आप नहीं लोगी? चलो जी ये जी जूता इसने नहीं पहना हुआ, जूते पहना आए कर रखा करो इसको। अभी बाबा है तो इधर तो ठीक है, मौसम साफ है, मतलब मिट्टी वगैरह नहीं है, लेकिन इसका ख्याल रखा करो बहुत ज़्यादा। तो इधर देखें सूरज गुरूब हो रहा है,
वो ऐसे लगता है जैसे खजूर के ऊपर बल्ला बल रहा जल रहा हो। ये देखो जैसे खजूर के ऊपर बल्ला अपना ऑन किया हुआ जल रहा है। क्या क्या वो सूरज सूरज सेज हाँ क्या खा रही हो? ये क्या है? मछली है। मछली खा रही हो? खा रही हो? खाओ खाओ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया दोबारा से माशाल्लाह। वेलकम बैक हो गया माशाल्लाह से आ गए वापस अल्हम्दुलिल्लाह। हो आए? हाँ जी। अच्छा अचानक गए, खैर तो थी? हाँ वो काम था उनका जरूरी। अच्छा वो मरियम जहद वालों के ना हाँ कुछ हेल्प आई हुई थी वो देने गए थे। अच्छा मैं भी समझू कि मैंने कहा सुबह मैं जा रहा हूँ ना कोई आवाज़ नहीं ना कुछ बताया अचानक से गोली हो गए इनको। मैंने कहा जरूरी था ना इसलिए हाँ। एमरजेंसी में चले गए फिर एक दिन वापस आ गए दूसरे। सही सही ये बात है। और ये क्या ओए क्या कर रहे हो? पापड़ पे झगड़ रहे हैं। नहीं खांदा? मैं नहीं खांदा। अच्छा आप नहीं खाती? इधर ना खा। और इसके काम देखो क्या हो रहा है। बर्फ ले आई हूँ, कूलर भरती हूँ प्यास में। इधर पानी का ये जो नीचे वाला रखा हुआ है इसके ऊपर कूलर रखते हैं ऐसे? हाँ जी। सही है सही है। पानी है इसके अंदर? बर्फ लेकर आई है। चलो क्योंकि कूलर भर के ना पौड़ी से नहीं फुल करके चार। अच्छा वो पर्दे कौन से लेकर आए थे आप? नहीं मिले। पर्दे नहीं मिले? मिले हैं है सही। तो एक पर्दा कहता है 3100 रुपए का। 3100 का? अच्छा हाँ पर्दे तो महंगे हैं। कोई नहीं अभी रहने दो। हैवी रेट बताया था मैं भी साथ था। हाँ ये ठीक है चादर वगैरह लगा दी बस एक घंटी लगा दो जो भी अंदर जाएगा वो बताएगा मैं अंदर बैठा हूँ। नहीं इसको ऐसे करेंगे इधर पेन लगाते हैं इधर। अच्छा पेन के साथ गत्ता लटकाएंगे। हाँ एक साइड पे लिखेंगे ओपन एक साइड पे क्लोज। हाँ जो बच्चे अब छोटे बच्चे हैं वो कौन सा ओपन क्लोज देखेंगे वो तो नीचे अंदर आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। पढ़े हुए हैं ना सारे पढ़ लेते। नहीं अब ये जैसे बैठे हुए वो इंग्लिश पढ़ सकती है या ये बैठे हैं? आप अंदर जाओ ये अचानक से एंट्री लगा लें क्या? हाँ जी तो वो बड़ों के लिए ये लगा देंगे ना। हाँ बड़ों के लिए तो चलो ठीक है बच्चों का है चलो। ऐसे ये पर्दा भी निशानी होता है। हाँ इसमें कोई नहीं है ना। आज अल्ताफ भाई ना हमारे साथ मजाक कर रहा है। अल्लाह पाक देगा। नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं वैसे बोल रहा हूँ कि ये करना है अभी इसको जो नहीं लेना कुछ नहीं लेना अभी इसके पैसे देने हैं। और दूसरा जो मेरे बहन भाई देखने वाले वो बोल रहे थे कि फिजा भाभी को बोलो कि जो नीचे किचन में आप लोग पकाते हो ना खाना गर्मी में वो बाहर ऊपर पकाया करो ऊपर पका कर फिर नीचे ले जाया करो फिर अभी जैसे फुल गर्मी है। हाँ जी बात तो एक है ना जो नीचे पकता है हम ऊपर ले आते हैं जब ऊपर पकेगा तो नीचे ले जाएंगे मसला है ना पौड़ी में आते जाते ना। नहीं जो अब इतनी गर्मी में अंदर काम करना मैं तो 5 मिनट के लिए आया था तो मेरा ना हाँ मादा हो गया था तो फिर ये बात है ना गर्मी से बचा जाएगा फिर। हाँ बाकी आपकी मर्जी है मुझे क्या गर्मी की इनको ही गर्मी होनी है मुझे क्या। मैंने तो सिर्फ आपका मशवरा देना था जो मैंने इनको बता दिया बाकी उनकी मर्जी है अपना मशवरा आपका कबूल करें ना करें वो इनकी मर्जी है। अल्लाह पाक सुन लेगा जल्दी हमारे हमारे जो है ना दरवाजे लग जाएंगे। दरवाजे भी लग जाएंगे चलो इससे अच्छा है मैं नीचे चला जाऊँ इनका दरवाजे लगने हैं ना मैं टाइम से चला जाऊँ कोई पता नहीं। हाँ मुझसे पैसे मांगना भी ना क्योंकि मैं खुद कंगाल हमारे सामने है। हाँ फिर इससे बेहतर है मैं चला जाऊँ ये ना हो कि ये बोले कि एक तो चलो दरवाजा लगा दो वॉशरूम वाला इससे बेहतर है चला जाऊँ मैं। हाँ मुझे अगर कप टोक दो फिर है कि आपका दरवाजा बन जाएगा। चलो ये सास बहू की क्या मीटिंग जारी है मैंने सोचा अभी मिठाई मैं नहीं खिला सकती मैं जो है ना आपका मीठा करा दूंगी चाहे जो चीज भी हो। अच्छा तो सेमिया बना रही हो? सेमिया ना थोड़ी पड़ी है तो आप मम्मी को भेज रही थी घर में के साथ में दुकान में पता करो अगर मिल जाती है तो ले आओ। सही है अब इस नीचे वाला जो आपका हॉर्न बज रहा है ना उसको चुप कराओ। हां जी अनुष बा चुप कर जाओ चुप कर क्या हुआ क्या हुआ वो कहती है मैं भी जाती हूं साथ मैं अल्लाह का ही कुछ खाऊंगा।
आप अलिशबा, अलिशबा आप ना वो बाहर जो कुत्ते भौंक रहे हैं वो फिर पटेंगे आपको, काट देते हैं। हाँ काट लेंगे आपको फिर, ठीक है। अच्छा वो आज माशाल्लाह तारीफें हो रही थी तेरी, ऐसे बोल रही थी वो, फिर सब बहन भाई बोल रहे थे कि हाँ जी आप ऐसे डर रही थी वीडियो में आने से, गुरेज कर रही थी तो सब कुछ ऐसे खाम खा डर रही थी, बहुत तारीफें हो रही थी और सब सब भी कमेंट्स जो है आपके आ रहे थे, मेरे बारे में किसी ने नहीं बोला। आज के बाद आपको भूल जाएंगे। हाँ जालिमों मैं भी साथ हूँ, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, ये क्या बात हुई, आप सब इसकी तारीफ कर रहे थे, हाय ओए मेरी एक बहन है वो भी मेरी तारीफ नहीं कर रही थी, इसकी कर रही थी, अल्लाह बचाओ मुझे। हाँ जी हाँ जी, आप ना आप अपने आप को भूल जाए। हाँ अब हमारी बारी आ गई, अब हम आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, चैनल आपका है आप लो, मैं तो बस ऐसे समझ लो कि वो क्या होता है एम्प्लॉय हूँ, मुलाजिम हूँ, बस ये चैनल आपको दे दूंगा फिर आप बनाती रहना, मुझे क्या। नहीं साथ में मिलाएंगे बनाएंगे ना। हाँ मिलाएंगे बनाएंगे और कमाएंगे और खाएंगे ऐसे। हाँ क्या मूड है खाना वगैरह? अच्छा अच्छा, वो बोल रहे थे बहन भाई कि आप अहमद की शक्ल की हो। हाँ जी वो मेरे भाई हैं, हम सब ना जो हमारे भाई हैं और बहन हैं ना, हम सब हमारी ना एक शक्ल है। हाँ एक शक्ल, जैसे अहमद है आप अहमद की शक्ल की हो, ऐसे लगता है मैंने अहमद से शादी की हुई है। और अहमद से नहीं की, अहमद की ना बहन से की है शादी। हाँ और जो दूसरा है महीउद्दीन वो भाभी की तरह है, तो समझो कि भाई ने महीउद्दीन से शादी की हुई है। नहीं हाँ? बहन भाई तो एक शक्ल होते हैं ना। हाँ एक शक्ल, और वो पूछ रहे थे कि यह सच में हकीकत में अहमद की बहन है। हाँ जी अहमद की बहन हूँ। हाँ सच में ये सच है, ये रियल में अहमद की बड़ी बहन है, अहमद से बड़ी है। नहीं मैं अहमद से बड़ी हूँ और महीउद्दीन से छोटी हूँ। हाँ जी मतलब के सब भाइयों से बहनों से ना, बस आखिरी नंबर मेरा। नहीं जी आखिरी नंबर अहमद का है। बहनों में से आखिरी नंबर आपका, और वैसे वो अहमद था, छोटा छोटा अहमद था, अहमद के पहले ये थी, इससे पहले महीउद्दीन, महीउद्दीन से पहले असलम, असलम से पहले अकरम, अकरम से पहले असगर, ये ऐसे ऐसे तरतीब थी। बाकी जो इसकी सिस्टर हैं वो तो बीचों बीच आती रहीं जाती रहीं ऐसे। नहीं वो पहले पहले ना मेरी पांच बहनें थी। हाँ। और मेरे अबू जान जो थे ना वो अम्मी से गुस्सा करते थे, कहते थे आप ना सब बेटियां पैदा कर रही हो, मैं ना और शादी करनी है। हाँ। तो फिर अम्मी ना रोती थी, दुआएं मांगती थी। हाँ। फिर जब पांच बहनें हुई मेरी, एक फौत होगी माशाल्लाह चार है गया, फिर जो है उसके बाद अल्लाह पाक ने ना चार बेटे दिए। हाँ। चार बेटे दू ना फिर मैं आ गई आपके लिए। मेरे जिम्मे लग गई। हाँ जी फिर उसके बाद ना मेरे बाद फिर अहमद छोटा छोटा। हाँ सही है। हाँ जी। चलो जी अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि ये अहमद की बड़ी, अहमद से बड़ी उसकी बहन ही है, रियल में ये सच में बहन है उसकी, और शक्ल से भी लोगों को पता चल जाता है। अब देखो मेरे बहन भाई जो पुराने देखने वाले हैं उनको तो पता है कि यार ये सबा अहमद की शक्ल की है, मतलब उससे सेम अहमद की तरह है, और जो दूसरी है वो है महीउद्दीन की तरह, मतलब यही सच है रियल है कि ये बहन भाई का रिश्ता, खून का रिश्ता ऐसा होता है कि एक जैसे ही होते हैं सब। क्या बोल रहे हो? असगर के बाद नहीं, हम ना कहीं पर जाते थे ना। हाँ। तो हमें कोई जानता भी नहीं था, फिर भी देख के ना कहते थे कि ये मुखलिस की बहन है, ये अहमद की बहन है, ऐसे ही बता देते थे। हाँ। देख के तो यही बात है ना। हाँ पहचान लेते हैं। चलो अब ज्यादा बातें ना करो और अपना काम करो, खाना वगैरह जल्दी करो, तैयार करो, ये ना हो कि मेरा। अच्छा दूसरा वो मैदे वाली पूड़ी पड़ी है। हाँ जी। मेरे मैदे में ना थोड़ी जलन हो रही है आज, मेरे खा ली थी तो। हाँ। आप ना अपना इलाज करा लें, ऐसे रोज रोज दवाइयाँ खा के तो तबीयत खराब हो जाती है ना। नहीं वो तो डॉक्टर के पास जाना है, वो फिर अभी टाइम नहीं लग रहा ना, इंशाल्लाह जाऊँगा किसी स्पेशलिस्ट के पास, उधर से फिर दवाई लूँगा। वो फिर बोलते हैं कि चाय छोड़ दो, वो दूसरी चीज़ें छोड़ दो, तो वो मैं नहीं छोड़ सकता ना, चाय मेरी फेवरेट है इसलिए। फिर चलो कोई बात नहीं, वो ले लेंगे, तो अभी मुझे वो पूड़ी दो, मुझे पानी पीना है। जवेरिया जैसी हो आप, ऊपर ऊपर खड़ी हो ना, अपनी अम्मी के साथ खड़ी हो। हाँ जी अब हंसो मत, ऐसे सीधी हो जाओ, हंसो नहीं। हाँ अब देखो जी सेम एक जैसी हैं या नहीं है।
आप हंस रही हो। हाँ आप बिल्कुल सेम एक जैसी हैं। हाँ जी सब बहन भाई देखने वाले बोलेंगे कि बाकी मेरे बच्चे। आप ना सब बहन भाइयों से यही है कि ये बताना आप सब कि मेरी बेगम जैसे बच्चे मेरे कौन कौन से हैं और मेरे जैसे कौन कौन से हैं। आप सब ने ना ज़रूर जवाब देना है। तो ये बताना है कि मेरे जो बच्चे हैं मेरी शक्ल का कौन है और बेगम की शक्ल का कौन है, ये आपने ज़रूर बताना है। इससे बड़ी हो, इससे बड़ी हो, नहीं बड़ा। अच्छा बड़े हो, हाँ ठीक है। आप वैसे भी रियल में भी बड़े हो लेकिन हाइट में जो है बराबर है। हाँ चलो ठीक है, जल्दी करो अब अपना पानी वो ले आओ, मुझे दो पानी। ये क्या है अलीश परी, ये क्या है, ये क्या लेके आई है अम्मी, ये क्या है बताओ, ये क्या है, हाँ ये क्या है, अब सेमा सेवा है, सेवा परी से पूछो कि अलिशबा कैसे रोती है। परी अलिशबा कैसे रोती है, हाँ दिखाओ ऊपर ऊपर बताओ, पहले बताओ कैसे रोती है, अलिशबा कैसे रोती है, हाँ बताओ। ये रख दो, ये अम्मी तेरी पकाए ठीक है, फिर खाओगी। हाँ अब अच्छा आप बताओ, आप बताओ, अरे बात सुनो बात सुनो अभी दस ही मैं जो पूछता हूँ वो जवाब नहीं देती, बता वो। अच्छा मैं अलिशबा, अलिशबा का पापा हूँ, चलो आप जाओ, मैं तेरा पापा नहीं हूँ, नहीं मैं तेरा पापा नहीं हूँ, मैं अलिशबा को फिर बता, फिर बताओ अलिशबा कैसे रोती है, इधर देखो बताओ बताओ, हाँ अलिशबा कैसे रोती है। अच्छा अलिशबा आप बताओ परी कैसे रोती है, ऐसे रोती है वो, तो आप बताओ ना वो, फिर बताओ। हाँ शेमा, अच्छा वो पानी वो पूड़ी, पूड़ी भी है, क्या नजर आ रहे हैं आप, नजर आ रहे हो काले काले, काले? हाँ इतना काला तो नहीं हूँ मैं, काले ये क्या लटकाया हुआ है, ये आपके लिए केले और अंगूर, मेरे लिए केले और अंगूर, ये मैंने खाने हैं या किसी और ने भी खाने हैं, आप और आपके बच्चे, आप और आपके वो दो अलीबा अलीबा। चलो सही है, फिर कैच करता हूँ मैं, कैच कर लेंगे, हाँ कर लूंगा, मैच खेलता रहता हूँ। हाँ को क्या ढूंढ रही हो, अपने अपनी दवाई लेने गई थी, जी हाँ जी हाँ, जी लो जी लो खाओ वाला। और इधर जो है ये सेवियां पक रही हैं, हाँ जी हाँ जी, ये सेवियां पक रही है, और साथ में वो कुछ नहीं है मिसाला वगैरह या कुछ, नहीं ये सिर्फ बस यही है, दूसरा वो क्या कहते हैं गरी किशमिश, हाँ जी वो नहीं है बस, ये सादा बस यही, सही सही चलो सही है। और दूसरा आज गर्मी तो नहीं है इतनी, अंदर गर्मी नहीं है, मुझे पसीना देखो कितना हुआ है, पसीना आया हुआ है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, नहीं तो मैं आता था आते ही मुझे पता चल जाता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हबस होती है। तो वो बहन भाई बोल रहे थे कि आप जो है किचन का ये जो है ना खाना पीना ऊपर किया करो, ऊपर, हाँ नहीं वो ना आज जो है ना सिस्टर वालों ने ना ऊपर सेटअप किया हुआ है ना, वो आप उधर पकाएंगे हम इधर पकाएंगे, मतलब आप दो दो जगह पकेगा, इसका मतलब खर्चा मेरा और बढ़ा रहे हो, तैयार हो जाओ खर्चा डबल होने वाला है आपका, ये इसका मतलब ये ना लेकर आप आता वीडियो में, तो वीडियो में ना लेकर आता तो फिर तो एक चल रहा था। हाँ बाबा ये वो मैंने मैंने ली मैं मैंने लिए वो ए वो तेला के तेला के, हाँ ले आऊंगा मैं आपके लिए, ले आऊंगा, नहीं वो बात ये है कि उधर जब शिफ्ट हो रहे थे ना, हाँ। तब यही मतलब के मशवरा किया था कि जब इधर रहेंगे ना अपने घर, हाँ। तो फिर वो ऊपर रहते हैं हम नीचे, तो खाना पीना जो है ना वो अपना बनाएंगे हम अपना बनाएंगे, मतलब के खर्चा एक जगह पे होगा, वो इधर से ले जाएंगे ऊपर बनाएंगे, वो बोलते हैं कि बार बार ना हमें नीचे नहीं आ सकते, तो वो फिर अलग खाएंगे आप लोग अलग खाओगे, हाँ जी, नहीं जब अपनी जगह थी फिर तो यही रूटीन होती थी ना,
चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। खर्चा जो है अब समझ लें कि हमारा डबल खर्चा होने वाला है, इसके आते ही खर्चा भी डबल हो गया। आप लोगों की फरमाइश मानी, अब देख लो दो दो जगह पर पकने वाला है आपका। नहीं नहीं आप मुझ पे इल्जाम ना लो, मैंने नहीं बोला, वो खुद ना अपनी मर्जी से। चलो वो उनकी मर्जी। अच्छा सुबह जो है वो फिर सुबह की रूटीन आपने अब शेयर कर दिया। आपने ना वीडियो का ऐसा मोड बनाया हुआ है, आप वीडियो डालते हैं दोपहर को। हाँ तो फिर भाई यही है ना, आज वाली वीडियो तो मैं चलो जैसे कैसे कर लूंगा, कल से जो है आपने स्टार्ट कर लेना है। कल से सुबह की आपने बनानी है, शाम की मैंने। तो फिर आप दोपहर को वीडियो डालते हैं ना। ये क्या था? सुबह वाली वीडियो का बोल रही थी। हाँ, वो ना दोपहर को वीडियो डालते हैं ना एक। हाँ, तो आपकी ये रूटीन बनी हुई है, फिर एक फिर अभी शाम को डालेंगे, फिर एक सुबह को, फिर शाम को, फिर रूटीन जो है ना। हाँ, इसी हिसाब से आप बनानी है ना, अभी आपने स्टार्ट करना है सुबह वाली बनानी है, तो उसके बाद फिर जो है मैं शाम वाली बनाऊंगा, डबल फिर बनेगी। तो आप सब बहन भाई जो बोल रहे थे कि ना आपकी एक वीडियो आती है वो भी 24 घंटे बाद, तो वो फिर इंशाल्लाह आप जो है बेगम आ गई है, तो अब इसके मतलब कि ये वीडियो सुबह की जो है रूटीन ये बनाएगी और शाम की रूटीन मैं बनाऊंगा। तो देखते हैं फिर ज़्यादा इसकी वीडियो चलती है या मेरी वीडियो चलती है, वो फिर बाद में देखेंगे। आप ना डरा देते हैं मुझे हर बात पे, नहीं शर्त लगा देते हैं। मैं ना सच में शर्त नहीं लगा रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि सब बहन भाई आज इतनी तारीफ कर रहे थे, आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं खुद हैरान हो गया। जो भी कमेंट साहब बहन भाई साहब बोल रहे थे ना कि आप आ जाओ, टेंशन ना लो, आज पहली वीडियो बनाई है ना, तो बहन भाई जो है ना मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसे मजाक कर रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब बहन भाइयों का। आप मुझे कमेंट पढ़ के सुनाएंगे तो पता चलेगा बहन भाई क्या बोल रहे हैं। मैं वो फिर कमेंट सुना दूंगा आज शाम को, जैसे ना फ्री हो लो फिर होती तो फिर तो आपको ये टेंशन। हाँ ये बात है, ये बिल्कुल पड़ी हुई 0/0 कुछ नहीं पड़ी हुई, लेकिन फिर भी कोशिश है, मेरी कोशिश होती है कि इसको वो चीज़ें सिखाऊं जो पढ़ा लिखा बंदा कर सकता है। तो वही है, इसी को अब ट्रेनिंग इसकी शुरू से कर रहा हूँ। उर्दू चलो इसकी माशाल्लाह अच्छी हो गई है, उर्दू जो है साफ सुथरी बोल लेती है, उर्दू की टांगे नहीं तोड़ती। ये है कभी कभी कोई लफ्ज़ आ ही जाता है, जो बंदा अनपढ़ हो ना पढ़ा लिखा हो तो फिर ऐसा हो जाता है, उसके लिए सॉरी। और बाकी जो है आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने ना हमें फुल मोहब्बत दी, फुल हमारी हौसला अफजाई की, बेगम की भी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप सब हमें प्यार देते रहें और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर देते रहेंगे। और एक सिस्टर बोलती रहती है कि आप व्लॉग छोटा बनाया करो, तो आप खुद सोचो कि मैं बातें करते हाल हवाल लेते लेते मेरी तो 15 मिनट की तो वीडियो यही बन जाती है। फैमिली बड़ी है ना हमारी, तो किसी से बात करें और किसी से ना करें तो वो भी नाराज होते हैं कि हमसे क्यों नहीं बात की। हाँ ये वो कहते हैं कि हमसे हाल हवाल नहीं लिया, अब जैसे मतलब के साथ से मैं हाल हवाल ले लूँ अम्मी बच जाए, तो वो बोलेगी बेटा आज मुझसे कोई गलती है, मुझसे नाराज हो, क्यों मुझसे नहीं पूछ रहे। तो इसी हिसाब से फिर सबसे पूछता रहता हूँ, बातें सबसे होती हैं तो थोड़ा टाइम विलोग जो है लंबा हो जाता है, तो बर्दाश्त कर लिया करें, जितना आपका दिल करे वो देख लिया करें। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी अब जो है शुक्रिया बोल दो सबको। हाँ जी बहन भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी माए माशाल्लाह, उन सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जो है ना टेंशन नहीं लेनी, जिस तरह हमें बोलते हैं कि टेंशन ना लो अल्लाह पाक करम करेगा, इस तरह मैं भी बोल रही हूँ कि टेंशन ना लिया करो। जो मेरी माएँ हैं बीमार रहती हैं, मैं हर वक्त उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है उनको हर परेशानी हर दुख तकलीफ से दूर रखे। आमीन आमीन। तो वो भी परेशान ना होया करे, क्योंकि अब एक था हंसाने वाला, अब दो हो गए। हाँ, मिल के ऐसे वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल मजाहिया वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखेंगे, आप लोगों को जो है खुशी होगी, आपकी परेशानियां जो है वो दूर करने की हम बहुत कोशिश करेंगे। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल। तो जी अभी व्लॉग फिर यहीं पर मैं एंड कर देता हूं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मेरी एक बहन है वो कहेगी भाई जान फिर लंबी वीडियो बना दी। तो मैं वीडियो का यहीं पर एंड कर देता हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ये छोटी सी हमारी अच्छी लगी होगी, और कल से इंशाल्लाह सुबह की रूटीन भी आएगी, शाम को रूटीन शाम की भी वीडियो बनेगी, और सुबह की जो है सुबह की भी वीडियो शेयर करेंगे। नाश्ते के चैनल पे दो दो वीडियो, एक सुबह को आएगी एक शाम को आएगी। हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर। और एक बहन बोल रही थी कि भाई आपको इतना पसीना आता है, आप अपना चेकअप करवाओ कि ये क्या मसला है। तो मैंने वो डॉक्टर से करवाया था चेकअप,
तो डॉक्टर ने जो है उसने खुद बोला था कि जो है आपको कोई मसला नहीं है, आपके अंदर खून, मेरे अंदर खून बहुत है, तो बोला कि आपके अंदर खून बहुत है इसलिए फिर आपको पसीना ज़्यादा आता है। और दूसरा, सारा दिन मैं रहता हूँ एसी में, तो शाम को जैसे आता हूँ तो फिर खून खोलता है मेरा, गर्मी हो जाती है, तो इसलिए फिर पसीना ज़्यादा आता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना या डेढ़ महीना हुआ होगा मैंने अभी ब्लड की बोतल दी थी, तो ऐसे मैं ब्लड देता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 10-12 बोतलें मैं दे चुका हूँ, तो मेरा ब्लड जो है चेंज होता रहता है, नया बनता रहता है, तो इसलिए फिर पसीनों पसीना आ जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से व्लॉग के साथ, तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय।